नमस्कार, बी टाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों को। सलमान खान की ओर से होस्ट किया जाने वाला शो बिग बॉस 17 एक ग्रैंड ओपनिंग कर चुका है। शो की शुरुआत बेहद धमाकेदार हुई है, जिसमें इस बार काफी नामी गिरामी लोगों ने एंट्री ली है। इस लिस्ट में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनावर फारूकी और अंकिता लोखंडे जैसे स्लैब्स के नाम शामिल है, जिनके बारे में खबर मिली है कि वो पहले से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हिसाब से लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा अंकिता लोखंडे और मुनावर फारूकी को लेकर है। दोनों सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंकिता लोखंडे इस सीजन की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है, जिन्हें एक हफ्ते के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। अंकिता ने अपने पति विक्की जैन के साथ एंट्री की है। वहीं मुनावर फारूकी की शो में एंट्री बेहद खास थी, क्योंकि सलमान खान ने बातों ही बातों में कहा कि दुआ कीजिए फिनाले के दिन हम आपका हाथ उठाएं। बॉलीवुड के भाई जान यानी सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। लंबे समय तक प्रशंसकों को उत्साहित रखने के बाद निर्माताओं ने आखिरकार आगामी फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, और यह किसी शानदार शो से कम नहीं है। मुख्य अभिनेता सलमान खान और कैटरीना के साथ निर्माताओं ने आखिरकार प्रशंसकों के लिए एक दिलचस्प क्लिप पेश की है। सलमान खान के प्रशंसक ट्रेलर में अभिनेता को जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए काफी प्रभावित हुए हैं, और कहा जा रहा है कि फिल्म 600 करोड़ का आंकड़ा भी पार करेगी। टाइगर 3 का ट्रेलर जो 3 मिनट से भी कम समय का है, लगातार एक्शन का पैकेज है, जो इस साल दर्शकों द्वारा देखे गए सबसे बड़े पैमाने पर है। अपने बोल्ड लुक की वजह से चर्चा में रहने वाली फिल्म और टीवी एक्ट्रेस निकिता रावल इन दिनों लूट की वजह से चर्चा में है। निकिता के घर पर लाखों रुपए की लूट हो गई है। इस घटना की शिकायत निकिता ने पुलिस से की है। शिकायत में एक्ट्रेस ने पुलिस से लूट की पूरी घटना की कहानी भी बताई। इसके साथ ही उन्होंने अपराधी के बारे में भी पूरी जानकारी शेयर की है। निकिता के घर पर लूट करने वाला शख्स कोई और नहीं, उनके ही हाउस स्टाफ का एक आदमी है। उसी ने बंदूक की नोक पर निकिता के घर पर चोरी की है। इसके साथ ही उसे निकिता को जान से मारने की धमकी भी दी। अक्षय कुमार हर साल अपनी 4-5 फिल्मों के साथ सिनेमा घरों में आते हैं। इनमें से कुछ ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिखा पाती हैं। साल 2023 में भी ऐसा ही हुआ। अक्षय 10 दिन पहले अपनी फिल्म मिशन रानीगंज के साथ सिनेमा घरों में आए। इस फिल्म ने भी कुछ खास कलेक्शन नहीं किया। इसका धीमा और फीका मिजाज बॉक्स ऑफिस में जारी है। बावजूद इसके फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को स्वतंत्र कैटेगरी में ऑस्कर भेज रहे हैं। आपको बता दें, मिशन रानीगंज रियल लाइफ घटना पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार मिशन रानीगंज में जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभा रहे हैं। वह एक खनन इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने 1989 में रानीगंज कोल फील्ड्स में हुए एक हादसे में फंसे 65 मजदूरों को बचाया था। अक्षय कुमार की इस फिल्म का कुल कलेक्शन 27 करोड़ रुपए ही हुआ है। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है को आज यानी 16 अक्टूबर को पूरे 25 साल हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें किंग खान ने रानी मुखर्जी की साड़ी पकड़कर थिएटर में एंट्री ली। करण जौहर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आज पूरे 25 साल हो गए हैं। इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए टीम ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इस स्क्रीनिंग में करण जौहर, रानी मुखर्जी और किंग खान नजर आए। सोशल मीडिया पर इस स्क्रीनिंग के कई वीडियो और फोटोज देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक वीडियो में शाहरुख खान एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की साड़ी पकड़े हुए थिएटर में एंट्री कर रहे हैं। फिलहाल बी टाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।